आपसे डिस्कस करेंगे दो प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस एक टीनेजर्स की। ब्रो मेरे रील्स पे व्यूज कितने बढ़ गए हैं, तेरी ब्लॉग भी हिट हो गई है, लेकिन अब कुछ और करना है, कुछ स्किल्स को यूज करके, कुछ करियर के लिए। काश कोई मुझे रियल कंपनी से मिला पाता। टाइम पास नहीं, टाइम यूज करना है, दैट वुड बी सो कूल। और दूसरी कंपनीज की। यार मैं परेशान हो गया हूँ बोरिंग आइडियाज सुन सुन के, वही पुराना तरीका सोचने का। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो फ्रेश आइडियाज लेके आए। पता नहीं कहाँ मिलेंगे मेरे को ऐसे लोग। इंडिया में 20 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे टीनेजर्स हैं जो अपनी स्किल्स को यूज करना चाहते हैं, और 4 करोड़ से भी ज्यादा ऐसी कंपनीज है जो राइट टैलेंट ढूंढ रही है अपना डिजिटल प्रेजेंस बनाने के लिए। ये सब सॉल्व करेगा पनग्रो। हेलो शार्क, मैं हूँ पायल जैन। मैं हूँ अनिक। और मैं हूँ रिया, एंड हम हैं मुंबई से। पनग्रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ 14 से 20 साल के टीनेजर्स को मौका मिलता है अर्निंग अपॉर्चुनिटी का, और वो भी उनकी स्किल्स के ऊपर। हम उनके स्किल्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स देते हैं रियल कंपनीज से, और जब वो ये प्रोजेक्ट्स करते हैं ना केवल वो अपनी स्किल्स एनहांस कर रहे हैं, प्रोफेशनल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, साथ में वो अपना पैसा भी कमा रहे हैं। और ये पैसा आता है उनके खुद के पनग्रो कार्ड में जो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ वो मनी मैनेजमेंट भी सीख रहे हैं एंड वैल्यू ऑफ मनी जान रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सब होता है पैरेंटल अप्रूवल के साथ। लगभग 1 साल पहले हमने पनग्रो शुरू किया था फाइनेंशियल लिटरेसी को माइंड में रख के, एंड 4 महीने पहले हमने अर्निंग अपॉर्चुनिटी शुरू करी। हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी 40,000 से भी ज़्यादा यूजर्स हैं एंड 170 कंपनी से ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं, और हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी कर लिए। हमारा विजन है कि इंडिया का हर टीनेजर अपने कैरियर को आइडेंटिफाई कर सके, ताकि जब वो 21 साल का होगा और अपने कैरियर की शुरुआत करेगा तो वो कॉन्फिडेंट होगा, कंफ्यूज नहीं। एंड हमारी आस्क है 50 लाख फॉर 1.25% इक्विटी। तो शार्क्स, क्या आप तैयार हैं इंडिया में नए टीन लेंसर्स लेके आने के लिए? पायल, अनिक एंड रिया, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। आप तीनों रिलेटेड हैं, आप हस्बैंड वाइफ डॉटर। कंपनी में आपसे कहीं मिला हूं पहले? आप मेरे से मिले हैं, मेरी प्रीवियस कंपनी सिम्बो और लेंसकार्ट साथ में काम करते हैं। मेरी उस कंपनी में को-फाउंडर था, वहाँ अपन मिले हुए हैं ऑलरेडी। बड़ो कंपनी अब मैं छोड़ चुका हूँ, मैं 15 अगस्त के बाद से फुल टाइम फनग्रो में हूँ। तो पायल, आपका आइडिया था ये? हाँ जी, मैं शुरू से ही बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी, मेरा बहुत इंटरेस्ट था एंड बिया वॉज माई इंस्पिरेशन। तो मुझे लगा नहीं, मुझे ये करना ही है। मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी से शुरुआत करी। नवंबर 21 में हमारा कार्ड लॉन्च हुआ, एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय टीन्स हु वर कमिंग, तो 14 साल के बच्चों का क्लियर आस्क था कि आप हमें अर्निंग बताओ, हम असली पैसा कमाना चाहते हैं और हमारा प्रोफाइल बिल्ड करना चाहते हैं। उसको स्टडी करके जो दूसरी कंपनीज थी उनकी भी प्रॉब्लम्स को जाना कि क्या हो रहा है। देन फेब के बाद मार्च में आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस, एंड देन आई आस्क्ड अनिक टू जॉइन मी। You know, हम लोग भी इंटर्न्स वगैरह बहुत रखते हैं स्कूल से, बट ये टीनेजर से काम कराना लीगल तो नहीं है। आप इंटर्नशिप रख सकते हो, आप उनको 18 से पहले जॉब भी नहीं दे सकते, आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, तो इसको कैसे आप लोग नेविगेट करते हो? लीगली एनीबडी अबव 14 कैन वर्क। देयर आर टू एक्ट्स अराउंड इट, व्हिच इज द चाइल्ड लेबर एक्ट एंड द अप्रेंटिसशिप एक्ट। अप्रेंटिसशिप 1961 स्पेसिफिकली सेज दैट यू कैन वर्क। अब इसके अंदर क्या होता है, 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है हमको, कि एज प्रूफ हमको चाहिए होता है कि वो 14 से ऊपर है, 14 के नीचे कोई काम नहीं कर सकता, वो लॉ है हमारे यहाँ। सेकंड, ऐसा कोई काम नहीं कर सकता है जो हैजार्डस एनवायरनमेंट में है, माइनिंग में है या केमिकल्स में है, वैसा कोई। बेसिकली पॉइंट है ये लीगली कर सकते हैं। हाँ जी, लीगली एब्सोल्युटली कर सकते हैं। तो आप प्रोडक्ट समझा दो अपना और डेमो भी दे दो। हाँ जी, तो ये हमारा लॉगिन पेज है, हमारे इसमें पेरेंट और टीनेजर दोनों लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चा आएगा, उसकी डिटेल ऑलरेडी कैप्चर है, वहाँ अपनी स्किल्स सेलेक्ट करेगा। ये स्किल्स होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, ऐप टेस्टिंग, रिसर्च, एंड यहाँ पे नीचे हमने एक पैरेंटल अप्रूवल भी दे रखा है जिसको उसे चेक करना है। जैसे ही वो चेक करेगा, पेरेंट के पास रिक्वेस्ट जाएगी। तो जब भी कोई कंपनी प्रोजेक्ट डालती है, उनको मैंडेटरी है कि वो बताए प्रोजेक्ट किस कैटेगरी में है, कितने रुपए का है और कितने दिन में आप चाहते हैं उसे कंप्लीट करना। ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस प्रोजेक्ट को लेना चाहता है कि नहीं चाहता है। जैसे ही वो सबमिट करेगा, रिक्वेस्ट कंपनी को जाती है। अगर कंपनी ने बच्चे को सिलेक्ट कर लिया, वो बच्चों के लाइव असाइनमेंट्स में आ जाता है। एंड देन वंस यू डिलीवर द प्रोजेक्ट, कंपनी अप्रूव्स इट, योर मनी विल बी रिफ्लेक्टेड ओवर हियर। यहाँ से आप कार्ड के उस पे जाते हैं। अगर आपने कार्ड ऑलरेडी बाय किया है तो आप एड मनी कर सकते हैं। ये कार्ड है फिनो पेमेंट बैंक का एंड रुपे नेटवर्क का।
सबसे इम्पोर्टेंट अब पेरेंट्स का क्या रोल है इसमें। एज अ पेरेंट अगर आप लॉग इन करते हैं, अगर फोटो भी अपलोड करना है इस ऐप पे, तो हमने इंश्योर किया है कि वो पेरेंट्स के अप्रूवल के साथ हो। अर्न मनी ऊपर नो है, दैट मीन्स आपका बच्चा उस पे काम नहीं कर सकता। वी हैव अप्रूवल एट ईच एंड एवरी प्लेस। अगर उसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है एंड आप नहीं चाहते वो करे, तो आप केवल उस छोटे से पीरियड के लिए भी इसको डिसेबल कर सकते हैं। पायल, ये जो मॉडल आपने बनाया है और यूआई है, ये पूरा अपवर्क का कॉपी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर कल को नॉन टीनेजर्स भी इस पे आ जाएंगे तो अपवर्क ही बन जाएगा। अपवर्क या फ्रीलांसर? हाँ, फ्रीलांसर जो भी है। इवेंचुअली आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इसको और इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं? वो मेजर डिफरेंस है। एक तो टीनेजर के हिसाब से सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट है। हमारे केस में हमें हर प्रोजेक्ट अप्रूव करना पड़ता है, जिससे कि इंश्योर करें कि लैंग्वेज करेक्ट है, कंटेंट करेक्ट है, कोई गलत चीज़ नहीं जा रही है टीनेजर। नंबर दो, टीनेजर को एक हेल्प चाहिए शायद अपने गैप आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि मेरे को अभी ये आता है, शायद ये का नहीं आता है, मुझे ये सीखना है। वो शायद बाकी प्लेटफॉर्म नहीं करते हैं। अगर फ्रीलांसर शिफ्ट होकर हमारा मॉडल लेता है, बहुत अच्छी बात है। हम अगर वो प्रूव कर चुके हैं उस स्केल पे दैट समबडी बिग इनफ इज वांटिंग टू शिफ्ट टू आवर मॉडल, दैट्स अ गुड सक्सेस ऑफ आवर मॉडल, मे बी टू पीपल विल फाइट द मॉडल। गिव अस एन आइडिया कि कौन से किस्म के, कौन से टाइप के प्रोजेक्ट्स और स्किल्स मैचिंग सबसे पॉपुलर है आपके ऐप पर? तीन टाइप की कंपनी जो हमारे मेजरली आ रही हैं। एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, सेकंड ऐसी कोई भी कंपनी जो बच्चों से रिलेटेड है, एडटेक कंपनीज हैं, गेमिंग कंपनीज हैं, ये आती हैं। तीसरा, बहुत सारी B2C कंपनीज आती हैं। टॉप काम जो होते हैं उनका इंस्टाग्राम रिलेटेड एनीथिंग, रील क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन, पोस्ट क्रिएशन एक्सेट्रा। और कंपनीज रिसर्च सर्वे देती है और कुछ कंपनी सेल्स रोल्स भी देती है। तो अलग अलग टाइप के रोल हमारे पास आते हैं। ये टीनेज में बड़ी नाजुक उम्र होती है। टीनेजर्स को ये उम्र में रिजेक्शन को महसूस करना और अपनाना या तो एक लर्निंग हो सकती है या तो काफी रिस्की भी हो सकता है। तो आप इसे कैसे देखते हैं और कैसे इसको हैंडल करते हैं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीज है? हम मोस्टली इसे लर्निंग के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि जब बच्चा हमारे पास आ रहा है, जब हम उससे प्रोफाइल बिल्ड करा रहे हैं, हम उसे समझा रहे हैं कि देखिए ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे आप बहुत कुछ चीजें सीखेंगे। क्या हम आज की डेट में इसका साइकोलॉजिकल इशू हैंडल कर सकते हैं? शायद हमारे लिए जल्दी है, बट जैसे ही ये कंपनी बड़ी होगी हम उसपे एंटर करेंगे। मुझे लग रहा है आपने ये शुरू किया फाइनेंशियल लिटरेसी कार्ड, और ये काफी कंपनीज ने शुरू किया US में भी और इंडिया में। और US में एक दो कंपनी काफी बड़ी हो गई, इंडिया में भी एक कंपनी ने काफी पैसे उठा लिए, उसके बाद दो तीन और लॉन्च हो गई, वो नहीं उठा पाए तब तक ये जो विंटर बोलते हैं डाउन पीरियड आ गया था। तो क्या आपका बिजनेस भी उसी दौर से गुजरा और फिर आपने देखा कि भाई इसको तो पिवट करना पड़ेगा हमको, और तब जाके आपको ये अर्निंग अपॉर्चुनिटीज वाला रास्ता दिखा? जो पनग्रो में मेरा इनिशियल टेक था, तो हमने अर्निंग इनिशियली रखी थी, बट इट वाज इंसेंटिव बेस्ड बिहेवियर। जब मेरा पहला नहीं, अगर आपने किया तो कोई बात नहीं है, उसको ओन कर लीजिए आप, क्योंकि ये वाला जो बिजनेस है ना आपका, सिंपली फाइनेंशियल लिटरेसी एंड कार्ड इश्यूएंस, देयर इज नो बिजनेस। लेकिन ये पिवट जो आपने किया ये अच्छा, लेकिन पूरी तरह नहीं किया और उससे मैं थोड़ा मतलब सहमत नहीं हूँ। सेकेंडली, मुझे लगता नहीं है कि अभी तक आपके पास, हमने पूछा नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू माई एस्टिमेट्स आपके पास रेवेन्यू कोई खास नहीं है। आप प्री रेवेन्यू कंपनी हो, 40 करोड़ वैल्यूएशन पे कोई सेंस नहीं बनता, इस वजह से मैं आउट हूँ, लेकिन काम अच्छा कर रहे हैं तो गुड लक। आप अपने बिजनेस मॉडल और नंबर्स दोनों बता दो। बिजनेस मॉडल में हमारा अर्निंग साइड में हम जो भी प्रोजेक्ट होता है उसका 10% हम बनाते हैं। कार्ड साइड बिजनेस शायद खत्म हो चुका है, हमारे लिए कार्ड साइड बिजनेस एड ऑन सर्विस है जो हमारे लिए आज के डेट में रेवेन्यू लेके आती है। आज के डेट में हमारा 2.5 लाख का महीने का एक्सपेंडिचर है और 1.5 लाख का रेवेन्यू हमको आ रहा है, जो मेजोरिटी जैसा आपने बोला कार्ड से आ रहा है। वो हमको हेल्प करता रहेगा वो बिजनेस को कंटिन्यूअसली बिल्ड करने के लिए, वो हमारा कोर बिजनेस नहीं है। हमने आज तक 1 रुपए का ऑफर नहीं दिया है, हम बर्न वाले मॉडल पे बिलीव नहीं करते। तो आज के डेट में हमारे पास 40,000 लोग हैं, इसमें से 22,000 टीनेजर हैं, 18,000 पेरेंट्स हैं। इसमें हमारे पास 170 कंपनी आ चुकी हैं, जिनमें से हम उनके साथ में 90 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पर एक प्रोजेक्ट की वैल्यू कितनी होती है रफली, एवरेज वैल्यू? एक प्रोजेक्ट की वैल्यू आज के डेट में 2,000 रुपए होती है। तो 170 कंपनी और इतने कम प्रोजेक्ट, 25 पर मंथ, तो कुछ कहीं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं मैं, एक बार थोड़ा ठीक से समझाइए। अभी हमने पहले हम ये जितने प्रोजेक्ट आए हैं, हम दो लोग मिलकर कंपनी दो लोग लेके आए हैं, हमारे पास कोई सेल्स टीम नहीं थी, वो सेल्स टीम अभी लास्ट महीने में आई है। लास्ट महीने में हमने 80 कंपनी ज्वाइन करी है। सेकंड, हमारा एवरेज टिकट साइज जो 1,000 था वो अब 2,000 हो गया है। तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट भी रेज किया है? हमने एक CCD रेज किया है 25 लाख का, कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल
मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है दिस इज अ हार्डकोर टेक बिजनेस राइट, और उसमें ये कार्ड और एजुकेशन का कोई स्कोप ही नहीं, बिकॉज कंपेटिटर जो है वो हाई टेक कंपनीज हैं, दिस रिक्वायर हार्डकोर टेक्नोलॉजी, अभी जब तक वो नहीं है ये मेरे लिए इन्वेस्टेबल नहीं, इसलिए मैं बाहर हूँ। मुझे इस कंट्री के यूथ में बहुत कॉन्फिडेंस है, बट मैं उनको ना मोटिवेट करूंगा, मैं उन्हें कभी रिजेक्ट नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ वो लोग अभी लर्न करें, अभी अर्न ना करें, अर्निंग का लाइफ लॉन्ग पड़ी है, तो एथिकली मेरे आई एम नॉट विद दिस बिजनेस, सो दैट्स व्हाई आई एम आउट। यूजुअली मैं अमन से कभी डिसएग्री तो करती नहीं हूँ, पर ये पहली बार आई थिंक मैं इनसे कंप्लीटली ऑपोजिट सोचती हूँ, और आई थिंक आज के जो टीनेजर्स हैं दे आर रेडी फॉर दिस। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट मैं गवर्नमेंट से बहुत सारी यू नो मेरी बातचीत चली है कि हाउ कैन वी मेक एंटरप्रेन्योरशिप अ पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम, तो आई थिंक हमारे टीनेजर्स आर वेरी रेडी टू अर्न एंड लर्न एट द सेम टाइम। मेरे को जितना समझ में आ रहा है अभी तक बहुत ही अर्ली है, जो आपका पुराना आपने बनाया उसमें मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल जीरो ही है, मेरा इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि बच्चे का क्या कुछ नया एक्सपीरियंस लेता है सीखता है, तो मेरे को कॉज बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा, मैं नमिता जी से एक बार डिस्कस करना चाहूंगा। हमने जो लास्ट सीसीडी रेस किया वो 20 करोड़ के वैल्यूएशन, ये लोअर कैप है उसका, लोअर मिनिमम, लोअर कैप उसका 12 करोड़ है, अपर कैप उसका 32 करोड़ है। हम लोग अगर 12 करोड़ पे जाते हैं तो ये हमारा लास्ट ऑफर होगा, आई विल बी कैंडिडेट। तो आपका रिवाइज्ड ऑफर क्या है अमित? रिवाइज्ड ऑफर इज 12 करोड़ वैल्यूएशन। पहले वाला डेट गया? हाँ जी डेट गया। अभी सारा इक्विटी है 4.16% एट 12 करोड़। कमाल है भाई, 30 सेकंड्स में आपने 5 गुना वैल्यूएशन कर लिया, मैंने आज तक नहीं देखा है। जल्दी डिसीजन दीजिए आप। नहीं, बहुत जल्दी डिसीजन है, ये डील डन है। डील डन। वंडरफुल। नहीं, बट हमें कॉज आई एम वेरी एक्साइटेड जुड़ना है। बहुत अच्छा कर रहे हो। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक यू गाइस। थैंक यू। बाय बियो। थैंक यू।